अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, खले संस दायो में वेलकम बैक टू द एन अदर व्लॉग। पब्लिक आपका भाई दोबारा हाजिर हो गया है, यकीन करो 3 दिन बाद। ताड़ा दिल तो करदा होना मैनू छित्तर मारन दा, मगर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर तुसी भी मजबूर हो कि कैमरे तो बाहर आके सानू छित्तर नहीं मार सकते, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं यार। पब्लिक मसरूफ होता हूं यार काम पे, देख सकते हैं अभी भी फैक्ट्री आया हूं, काम कर रहा हूं फैक्ट्री में, मसरूफ होता हूँ, फिर इधर थक थक के कर जाता हूँ, फिर कहता हूँ यार क्या व्लॉग बनाऊँ, कुछ कंटेंट ही नहीं था मेरे पास। तो आज जुम्मे का दिन है, हम मालूम है तेरे बाप को, मैं चल ऊपर आए हैं, काम शाम खत्म करते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाके कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करने के बाद क्या करेंगे, मोबाइल पे लग जाएंगे और क्या करेंगे। अभी 8 बजे हैं तकरीबन, 9:30 बजे आते हैं स्टार्ट, उसके बाद ही काम शुरू होता है जो मेन काम शुरू होता है। तो अगर आप तुर्क व्लॉग फैमिली के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, फिर काम शाम ख़त्म करते हैं, नीचे चलते हैं। ओका पब्लिक आपके भाई ने कपड़े बदल दिए हैं, देख सकते हैं, अब वजू कर रहे हैं, वजू करते हैं, फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपको मिलते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद क्या करना है आपको पता है मेरे काम का, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद क्या करता हूँ, सोता हूँ, और कोई काम नहीं है मैं, वेला वहाँ वेला नहीं यार, वो जो हमें 1 से लेकर 2 तक छुट्टी है, जुम्मे के दिन होता है कि 1 से लेकर 2:45 तक छुट्टी होती है, तब आप जो मर्ज़ी मतलब के खाना खाएं, सो जाएं, लेट जाएं, कहीं जाना जाए, मगर 2:30 के दरमियान दिन में 2:45 के दरमियान दिन में आपने मदरसे मतलब फैक्ट्री के अंदर पहुँचना है, उससे पहले आप जिधर मर्जी जाएँ, मतलब जाएँ तो नहीं मतलब जिधर, अरे कहना क्या चाहते हो, जिधर मर्जी जाएँ यार ठीक है, बाकी 2:45 तक आपने मतलब फैक्ट्री में पहुंच जाना। साहब बड़े कहते तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेट भी हो जाए, उस्ताद ने तो बड़े अच्छे हैं, कुछ नहीं कहते, थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो बता देते हैं, साजी ये मसला था जिसकी वजह से लेट हो गया, अब बाथरूम के दरवाजे के सामने, ओके फिर मिलते हैं रास्ते में, ओके। पब्लिक मस्जिद तो हमने कर लिया था, अब हम मस्जिद के सामने पहुँच गए, मस्जिद में चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं, और मैं उसकी तरफ तौबा करता हूँ, उसकी तरफ रुजू करता हूँ, फरमाया तो उसके गुनाह भी माफ हो जाएंगे, चाहे वो समुद्र की झाग के बराबर हो क्यों ना हो। इसी तरह जैसे अल्लाह हमारे ईश्वर का फरमान है, नमाज हमने पढ़ लिया, हाल चेक कर सकते हो कैसी हालत है, ये हमारे मुंशी साहब और छोटा भाई जा रहा है, गर्मी बड़ी है, एंड हो गई है, ये देख कपड़े की हालत इतनी गर्मी, गर्मी नहीं हबस है, हबस की वजह से ना पसीना ज़्यादा निकल रहा है, तो इसकी वजह से एंड हो जाएगी, फैक्ट्री पहुँच गई है, फैक्ट्री का टूर कराएंगे इंशाल्लाह, अगर आपको फैक्ट्री का टूर देखना है तो कमेंट्स में मुझे बताएं, सारा फैक्ट्री का जितना टूर है वो आपको करवाएंगे, मगर आपको क्लीनों की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे क्योंकि क्लीनों की तस्वीरें दिखाना अलाउ नहीं है, ऑर्डर के पीस होते हैं जिसकी वजह से इधर क्लीनों की तस्वीर नहीं बना सकते ना वीडियो बना सकते हैं, इसलिए कोशिश यही होती है कि ना आए साहब डांटते हैं, आपको बाद में मिलते हैं। ओके पहले छुट्टी हो गई थी, नमाज का टाइम हो गया था, नमाज पढ़ लिया था, फिर मौसम ख़राब हो रहा था तो जिसकी वजह से माल उतारना पड़ा, माल हमने उतार लिया था, माल उतार के समेट के फिर जल्दी में निकल आए, रास्ते में बारिश शुरू हो गई, थोड़े बहुत कपड़े ढीले हो गए मगर बच्चे तो हो गए, तो तब के बैठे हुए थे, फिर मुझे याद आया यार अब व्लॉग भी बनाना है, हमने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था, हमारे जहन में ही नहीं था कि हम व्लॉग बना रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं यार, काम पे मसरूफ तो थक गए थे यार, अभी अभी घर पहुँचे हम, अब चलते हैं सामान लेने, ये थोड़ी बहुत दाढ़ी ज़्यादा हो गई है जी, मतलब थोड़ी सही नहीं आई ना अभी तो, जीभ लग रही है, इसको थोड़ी सेट सूट करवाते हैं, सामान समून ला के देते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ओका पब्लिक सुन सकते हैं अजानों की आवाज़ आ रही है, नमाज़ पढ़ने चलते हैं, मगर नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद थोड़ा सा सामान और लेकर आना, वो लेकर आते हैं, तो फिर आपको इशा के टाइम में मिलते हैं यार, मिनी ब्लॉग है, क्या कर सकते हैं, कंटेंट ही नहीं था, समझ ही कुछ नहीं आ रही, पब्लिक आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस चीज़ पर कंटेंट बनाया जाए, कोई कंटेंट मुझे आप लोग समझाएं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा,
हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। भाई मैं नया नया ब्लॉगर हूँ, मुझे क्या पता कि किस चीज़ पे ब्लॉग में आ जाता है। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम घर आ गए थे, अब सॉरी मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम घर आ गए थे, लेट गए थे। अब ईशा का टाइम हो गया, ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद फिर कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने के बाद फिर घर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही जाने हुई हैं, नमाज़ हो रही है नहीं, तकरीबन 10 मिनट हो गए। अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर इसीलिए यार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। बच्चे तो होगी या पानी के अंदर गिर जाना था अभी हमने। चलते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद ही मिलते हैं। ओके पढ़ लिया, कुरान भी पढ़ लिया। अब भूख बड़ी लग रही है यार, जाके खाना खाते हैं, क्या कर सकते हैं, भूख बड़ी लग रही है, खाना खाते हैं। खाने के बाद मोबाइल खेलेंगे यार, क्या काम है, मोबाइल खेलने के बाद सो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।